हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो अब अपन शुरू करना है आज फेलोपियन ट्यूब से, क्योंकि कल हमने ओवरी कंप्लीट कर लिया। ओवरी के स्ट्रक्चर, उसकी इंटरनल एक्सटर्नल और ओवेरियन में जो भी चेंजेस होते हैं वो अपन सारे कंप्लीट कर चुके। अब अपन बात करने जा रहे हैं फेलोपियन ट्यूब की, ओके। उसके बाद में बात करेंगे यूट्रस की, फिर बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, ठीक है। तो सबसे पहले लगे आप फेलोपियन ट्यूब, पहली बात इसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और इसमें ध्यान रखिएगा सीलिया उपस्थित होते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होता है इसके अंदर होता है, जो अंडाणु या युग्मनज, युग्मनज कब होगा या निषेचन हो जाए, मान लो निषेचन हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। युग्मनज उसको धक्का देने का काम भी करेंगे, ठीक है। युग्मनज को यूट्रस की तरफ, गर्भाशय की तरफ, यूट्रस की तरफ भेजता है, भेजते हैं, आई मीन क्लियर। दूसरा, जाइगोट को यानी युग्मनज जो स्पर्म और ओवम के मिलने से बना है, निषेचन के पश्चात बना है, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में रोपण होने से रोकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये सीलिया नहीं होते ना, और एक वो परत होती है जिसका नाम होता है जोना पेलुसिडा, ये दोनों ऐसी चीजें होती है जो गलत जगह पर इसको रोपण होने से रोकती है, क्योंकि रोपण की जगह गर्भाशय के अंदर होती है, कहीं फेलोपियन ट्यूब में रोपित ना हो जाए, इसको बचाने का काम भी करती है, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकती है। किसको? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, झूठी प्रेगनेंसी को रोकती है। अगर रोपण गलत जगह हो जाएगा तो वहां पर प्रेगनेंसी नहीं होगी, एक ट्यूमर बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, मांस का टुकड़ा, ठीक है ना। चलिए साहब, दूसरा, ओवम या जाइगोट के बाहर उपस्थित, ओवम या जाइगोट के बाहर उपस्थित जोना पेलुसिडा या तो ओवम अकेला आएगा तो उसके चारों ओर, या जाइगोट बन गया तो उसके चारों भी उपस्थित होती है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकती है, ओके। चलिए ये लिखिए फटाफट आप, फिर अपन बात करते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं। चलिए सर, अगली बात करते हैं अपन फेलोपियन ट्यूब के पार्ट। देखो आप ना, ये आ गया यूट्रस, मैं रफली बना रहा हूं, ये आ गया यूट्रस,
यूट्रस के यहां से निकाल रहा हूं फेलोपियन ट्यूब, ये इसका आगे वाला पार्ट, ओके दोनों तरफ होती है। तो ये जो आगे वाला पार्ट ये देख रहो, ये आपके हो गया फिम्ब्रिएटेड फनल, मतलब समझे आप, ये जो अंगुली नुमा प्रबद है उनको अपन बोलते हैं फिम्ब्री। इसके बाद में पीछे वाला भाग जो थोड़ा सा फूला हुआ बना रहा हूं मैं, देखो आप ये वाला, इस भाग को अपन बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। सबसे फूला भाग सदैव एम्पुला कहलाएगा, ध्यान रखिए। कहीं पर भी हो, चाहे वो चाहे ईयर में हो, चाहे आपके वो इसोफेगस के कहीं पर हो, ठीक है। एम्पुला, जो एम्पुला है इसी जगह पर होता है क्या? फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया यही संपन्न होती है, यानी ये स्पर्म है और ये आपके ओवम है, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर जो जाइगोट बना रहे, युग्मनज, वो प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है, पता है आपको? कहां संपन्न होती है? एम्पुला वाले भाग में। क्वेश्चन आता है ये कि निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में कहां होती है, तो उत्तर दो गया एम्पुला। उसके बाद में ये भाग शुरू हो जाता है, कौन सा आपका? इस्थमस। कौन सा? इस्थमस, जो जाकर किसमें खुलता है? यूट्रस में, गर्भाशय के अंदर। तो सबसे देख लीजिए आप फिम्ब्रिएटेड फनल, सबसे पहले ये जो ओवम निकला यहाँ आएगा सेकेंडरी साइड सिलोमिक कैविटी में, सिलोमिक कैविटी से यहाँ आएगा, फिर इस तरह से आगे की ओर जाएगा। इसमें बीच में सीलिया होते ही अपन को पता ही है, सीलिएटेड ही है एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर। बहुत सिंपल सा फेलोपियन ट्यूब का, ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं है। अब आप आ जाइए इसके बाहर वाले जो पार्ट है, हम उनकी बात करते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जो बाहर की ओर स्थित है, ठीक है। चलिए साहब अब अपन शुरू करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके अंदर अब अपन पढ़ते हैं, यहां आ गई, यहां से नीचे जैसे ही आते हैं अपन इस तरह से, मैंने आपको कल भी बताया था, यहां से नीचे आती है, यहां होता है इंटरनल ओएस, यहां होता है एक्सटर्नल ओएस। बीच वाले पार्ट को अपन बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स, ठीक है ना। सर्विक्स के नीचे वाला पार्ट कहलाता है वेजाइना, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और वेजाइना के अंदर क्या किया जाता है? आपके स्पर्म सबसे पहले किसमें आते हैं? स्पर्म वेजाइना में, और वेजाइना से फिर किसमें जाते हैं? सर्विक्स में, और फिर वहां से जाते हैं इधर, इस तरह से रास्ता होता है स्पर्म का जाने का, ठीक है। और बाहर ही एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन बोलते हैं हाइमन, क्लियर। ये चीजें आप बनाइए, फिर अपन बात करते हैं जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननांग, उसकी बात करेंगे। एक्सटर्नल जेनाई टेलिया यानी बाह्य जननांग, मेल के अंदर तो एक ही होता है पेनिस, लेकिन इसमें खूब सारे होते हैं, ठीक है। ये बनाइए आप, फिर अपन बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम? मान लो आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो, अगर किसी को एक को इंग्लिश आ रही है और एक को हिंदी आ रही है, तो इंग्लिश वाला हिंदी को नहीं समझेगा और हिंदी वाला इंग्लिश को नहीं समझेगा। इसका मतलब है कि वहां पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, मतलब वो एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है कि मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो सूचना है उसके आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? पार्ट हो गए, तीन पार्ट हो गए, ठीक है। और यह वाला भाग भी एक ध्यान रखिए, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया आपको, इस वाले भाग को अपन बोलते हैं इनफंडिबुलम। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था हिंदी का, इसका मान लो दोनों हिंदी, तीन पार्ट हो गए, फिब्रिलेटेड फनल इनफंडिबुलम का पार्ट है, इनफंडिबुलम, और दूसरा हो गया आपके एम्पुला, इंग्लिश वाला समझ सकते, तीसरा हो गया आपके इस्तेमा, दोनों इंग्लिश के हैं, ये लिख लेना आप, जो इंग्लिश में बोलेगा वो नोट्स बना रहे होंगे आप। तो मतलब ये जो प्रारंभिक भाग है वो इनफंडिबुलम है और अंतिम भाग है वो इस्तेमा, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, या ये बोले हम लोग संचार व्यवस्था, संचार क्या है? संचार को लिखो एक मिनट, फिब्रिलेटेड फनल सूचना के आदान प्रदान को इनफंडिबुलम का ही भाग है, जो आगे अंगुली नुमा प्रबोध का निर्माण करता है। सूचना के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? सूचना के आदान प्रदान को संचार कहते हैं, ठीक है। अपने संचार व्यवस्था का आरेख बनाते हैं। देखो होता क्या है इसमें, तीन, अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको अपन बोलते हैं वुल्वा। क्या बोलते हैं? वुल्वा, क्या एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अपन क्या बोलते हैं? वुल्वा। संचार व्यवस्था में तीन चीजें, अब आती है पहली बात, सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन सा होता है? उसका नाम है आपके लेबिया मेजोरा, माध्यम लेबिया मेजोरा, क्लियर। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके, क्या बोलेंगे इसको? चैनल, क्या होता है ये? ये कुछ नहीं होता है, जो ओपनिंग होती है रिप्रोडक्टिव फीमेल के अंदर, उसके बाहर मांस के बने हुए दो फोल्ड पाए जाते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, उन्हें अपन बोलते हैं लेबिया मेजोरा। जो इसके अंदर फोल्ड पाए जाएंगे पतले, उनको बोलेंगे लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा क्या है? यह है
त्वचा के अभिराज, मतलब बने एक तो जो जो प्रेशर का वो क्या करेगा, सिग्नल को भेजेगा, ठीक है, बाहरी चैनल है जिसके वलन होते हैं, जो प्रेशर का वो सूचना को भेजेगा, सिग्नल की बात नहीं कर रहा, सिग्नल हम लोगों ने पढ़ाई नहीं, बाहरी त्वचा के बने हुए बाहरी वलन होते हैं, चैनल से पास होते जाएंगे अभिराज, उसको ये ग्रहित करेगा, मतलब इसके पास सूचना पहुंच जाएगी। सीबीसीएस इसका आरेख अगर बनाते हैं ग्लैंड तो क्या आता है, देखो इस तरीके से आएगा, ये संख्या ज्यादा होती है यहाँ पे, तो आता है इधर प्रेशर, दूसरा इसमें श्वेत ग्रंथियों की संख्या, यानी कि श्वेत ग्लैंड की संख्या क्या होगी, इधर आएगा प्रेशर, श्वेत ग्लैंड की संख्या यहाँ पे होगा, एक क्या होती है, कम होती है, आप ध्यान रखनी है, क्लियर, यानी सीबीएसएस की ज्यादा है, श्वेत की कम होती है संख्या। अब बात करते हैं लेबिया माइनोरा, इसमें उल्टा है, देखो अभिग्राही बोलते हैं लेबिया और यहाँ पे क्या आता है माइनोरा, इसमें क्या लिखोगे, नॉइज ज्यादा, ये है बी त्वचा यानी स्किन के बने हुए हिंदी बोलते हैं उसे रब वलन होते हैं, ठीक है, इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, जिन पर क्या आता है, जिन पर सीबीएसएस ग्लैंड की संख्या, समझ गए, ये रब बोलते हैं इसे कम, आप देखो होता क्या है, जो स्वेट ग्लैंड की संख्या जो सूचना को भेज रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज हो जो जिसको सूचना दे, क्या तो इसको बोलते हैं ज्यादा होती है सूचना स्त्रोत, ये अंदर होते क्या होता है यहाँ पे वलन होते जिन सूचना होगा लेबिया, ठीक है, मेजोरा, और ये क्या करता है, ये इसको अंदर सूचना देगा स्थित, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, प्रेशर सिग्नल मिलता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन लोग, क्लियर, चलिए साहब, ये तो होगी बात इसकी, तो अब तीसरी बात करते हैं अपन, जिसका नाम है क्लाइटोरस, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या होगा, क्लाइटोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिए, क्लाइटोरस ये जो आपके बहुत इंपोर्टेंट, ये लेबिया माइनोरा से जुड़ी होती है, तो ये जो संदेश दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, लेबिया अंदर की ओर होता है ना, लेबिया संदेश बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो आता है जुड़ी होती है, ठीक है, देखो अब ये जो हमारे पास बना यहाँ से यहाँ तक होती है, तथा ये है अति संवेदनशील, सबसे ज्यादा सेंसिटिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई संरचना है तो वो ये है, ये अति संवेदनशील, ये तीन जो है इसको बोलते हैं हम लोग सेंसिटिव, संचार होती है, तथा यह है, समझ गए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नर के पेनिस का क्या होती है, समजात है, ध्यान रखना, समजात अंग है, तीन हो गई, चौथी लगाई, बात समझ में आई, तो हमें सूचना स्त्रोत, चौथी संरचना लिखी, ठीक है, इसको अपने लोग मॉन्स प्यूबिस, संदेश सिग्नल मॉन्स प्यूबिस, यह वेजाइनल, ठीक है, यह वेजाइनल, या वेजाइना खुलती, वेजाइनल वेस्टिब्यूल, वेजाइना खुलती, उसको अपन क्या बोलते हैं, दो ओपनिंग होती है ना फीमेल में, एक तो यूरिन की ओपनिंग होती है, वो यूरिथ्रल ओपनिंग होगी, दूसरी वेजाइनल, कैसे जैसे मैं बनाता हूँ डायग्राम, ये ऊपर की तरफ जो ओपनिंग हो रही है, ये तो किसकी हो रही है, यूरिनल, यूरिथ्रल, और जो ये सिग्नल आता है हमारे पास, यूरिथ्रल ओपनिंग है ऊपर जो है ना, तो नीचे यूरिथ्रा के नीचे होता है फीमेल के अंदर वेजाइनल ओपनिंग, ध्यान रखिएगा, ऊपर यूरिथ्रा है, नीचे वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है ना, तो ये वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर यहाँ पर, और ये इधर क्या आ जाता है हमारे पास, ये फिर वही संदेश सिग्नल, ये ऊपर वाला एरिया, ये वाला, ये सारा एरिया, इसके ऊपर वाला सारा एरिया जो, ठीक है, ये वेजाइनल वेस्टिबुल के सिग्नल ऊपर का क्षेत्र, फिर अपने पढ़ते हैं क्या क्या चीज है ये, ठीक, जिसमें इस पर अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपने लोग, आगे क्या है इसमें जो मेन मेन चीज है, जिस पर प्रेशर क्या करता है, हेयर्स तथा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्या करता है ये, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को जिस बना होता है, उभरावा होता है, हेयर तथा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू किसे सिग्नल है होता है, ठीक है, संदेश सिग्नल को ये हो गया मॉन्स करेगा, ये प्रेशर सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और इसको भेजता है, ठीक है, सीबीएसएस ग्लैंड पाई जाती है, किसे कहते हैं इसे, ऐसे लिख लो, सीबीसीएस ग्लैंड होती है, संदेश
पांचवा इसको अपन बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं? क्या करता है ये? हाइमन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मान लो वेजाइना है, ये वेजाइना, वेजाइना की ओपनिंग जो होती है वो आधी एक झिल्ली से ढकी हुई रहती है। ये झिल्ली जब टूट जाती है तो ये वेजाइना कंप्लीट ओपन हो जाती है। पहले ऐसे माना जाता था कि एक कोमरिया था जिसको अपन कहते हैं वर्जिनिटी का साइन है, कंवारेपन का साइन है, ये माना जाता था पहले। लेकिन अब ये आपको पता चल गया कि साइकिलिंग करने से, घुड़सवारी करने से, दौड़ने से, भागने से, कूदने से घर में, ये मेम्ब्रेन नॉर्मली टूट जाती है ना, तो इसको अपन एक वर्जिनिटी का प्योर साइन नहीं मान सकते। ठीक है, ठीक है। चैनल क्या होता है? वेजाइनल ओपनिंग, चैनल को अपन लोग बोलते हैं, पर एक माध्यम मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो माध्यम क्या होता है? जिसे जिसके थ्रू कोई सिग्नल चल के टेलीफोन में जो लाइन लगी है, जो वायर है, क्या बोलते हैं, वो चैनल है। अपने मोबाइल फोन में बात करता है, जो अपना एटमॉस्फेयर है वो किसी काम करता है, मीडियम हाइमन कहा जाता है। ठीक है, ये चैनल का काम करता है। तो माध्यम क्या है? ये माध्यम के थ्रू क्या होता है हमारे पास सिग्नल को वर्जिनिटी का यहाँ से यहाँ तक, सही है, का साइन बात करते हैं अपने लोग अभिग्राही की नहीं है, ये वर्जिनिटी का साइन नहीं है। ठीक है, अभिग्राही क्या करता है? अभिग्राही सिग्नल को संदेश जेनिटेलिया की बात, तो आप ये लिखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्लियर, ये लिखिए। फिर अपन बात करते हैं यूट्रस की, बचा हुआ जो सिग्नल को संदेश सिग्नल में बदलता है। जल्दी कीजिए भाई, समझ गए आप? अब देखो होता क्या है, इसमें जो हमारे पास एक चीज आ रही है नॉइज, ये क्या है हमारे पास? ये वो सिग्नल है जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नॉइज या रब क्या है? हो गया, नॉइज या रब बोलते हैं। ये क्या है, मतलब ये सिग्नल को डिस्टॉर्टेड कर देता है, या ये बोले सिग्नल अनवांटेड सिग्नल है ये। ठीक है, नॉइज को क्या बोलते हैं हम लोग? ये नॉइज जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनवांटेड सिग्नल बोलते हैं। क्या है ये? ठीक है, अनवांटेड सिग्नल है, या इसको ऐसे लिख लो, ये सिग्नल की जो नॉइज है ये क्या करता है? सिग्नल की जो शक्ति है उसको कम करता है। ठीक है, सिग्नल की शक्ति को कम करता है। ठीक है, समझ गए? चलो अब अपने लोग आगे बात करते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे लगे, यूट्रस दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो आता है बिंदु से बिंदु, ठीक है, और एक दूसरा आता है हमारे पास वॉर्म, ध्यान रखिएगा, तीसरा नाम है हिस्ट्रा, और अगर यूट्रस को बॉडी से हटा दिया जाए, मान लो कैंसर हो गया, रिमूवल ऑफ यूट्रस, लिख लो शरीर में से यूट्रस को हटाना फीमेल के, उसे अपन बोलते हैं हिस्ट्रेक्टोमी। क्या बोलते हैं? हिस्ट्रेक्टोमी, क्लियर। उसी बात, यदि फेलोपियन ट्यूब को एफटी का मतलब फेलोपियन ट्यूब को काट कर महिला नसबंदी करना, देखो आगे लिखते हैं अपने लोग, क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी, या इसको बोल सकते हैं साल पिन जेक्टोमी। क्या बोल सकते हैं? साल पिन जेक्टोमी। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में टोटल कितनी परतें होगी? तीन, देखिए आप, सिंगल अभिग्राहित होगा, इसमें क्या होगा? एकल प्रेषक तथा एकल अभिग्राहित होगा। ठीक है, अभिग्राही होगा, समझ गए? दूसरी बात करते हैं संचार के बाद, एक तो ये आता है, ये और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट।
ये इंटरनल ओएस, ये एक्सटर्नल ओएस, ये सर्विक्स और ये वेजाइन आ गए। प्रसारण यहाँ से बना देता हूँ मैं, क्या फेलोपियन ट्यूब इतनी इतनी निकाल देता हूँ, आपको समझ में आया? आगे तो पता है अपन को ये फेलोपियन ट्यूब। अब इसके तीन झिल्लियां देखो, ब्रॉडकास्ट को बोलते हैं हम लोग प्रसारण, बना दी मैंने यहाँ पर ही। तो इसमें क्या होगा, देखो इसको बोलते हैं हम लोग जो बिंदु है, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब एक और बना रहा हूँ उसके ऊपर, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, और ये क्या ब्रॉडकास्ट, इसको बोलते हैं प्रसारण। इसके अंदर भी होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ये एंडोमेट्रियम, ध्यान रखिए ऐसा नहीं, यहाँ पर तीनों परतें फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी है और यूट्रस के अंदर भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब आप देखो सबसे बाहर वाली परत इसका नाम है पेरिमेट्रियम। कई अभिग्राही होंगे, जैसे मान लो एग्जांपल है टेलीविजन और रेडियो, बीच वाली का नाम है मायोमेट्रियम, एकल प्रेशर, अंदर वाली का नाम है एंडोमेट्रियम, ठीक है। और क्या होता है, अब तीनों की अलग अलग, नीचे वाला पार्ट को अपन कहते हैं सर्विक्स, इसको बोलते हैं अपन इंटरनल ओएस, अभिग्राही होंगे, इधर वाले को बोलते हैं अपन एक्सटर्नल ओएस। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, इधर बोलते हैं अपन वेजाइना, एग्जांपल आप समझ लो जैसे टेलीफोन, और वेजाइना के दो फोल्ड नहीं दिख रहे आपको, ये वाला फोल्ड और ये वाला फोल्ड, इस फोल्ड को अपन बोलते हैं फोर्निक्स। बात करें जैसे मान लो टेलीविजन हो गया फोर्निक्स, और ये अपने आ गई हाइमन, इधर क्लियर, ये हो गई स्ट्रक्चर, और ऊपर की तरफ जो है वो आपके फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब रेडियो हो गया एफएम, क्या क्लियर, ये बीच में यूट्रस की कैविटी है, ये यूट्रस की कैविटी या गुहा, रेडियो हो गया, सही है। तो ये हमारे पास संचार व्यवस्था के सबसे पहले बात करते हैं, मेन है कि संचार व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, तो ध्यान रखिएगा पेरिमेट्रियम के बारे में, बिंदु से बिंदु हो गया, और दूसरा जो सबसे कौन सी कवरिंग है, प्रसारण हो गया, आउटर लेयर है। अब इसको अपन लोग पढ़ते हैं, तो जो पेरिमेट्रियम है, तो हेड डालो आप लोग संचार व्यवस्था के, या एपिमेट्रियम बोल दो इसको, ठीक है, हेड डालो आप लोग, या इसको बोल सकते हो क्या, शब्दावली एपिमेट्रियम, पेरिमेट्रियम या एपिमेट्रियम, क्लियर। ये किसकी बनी हुई, ये बनी हुई है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और पेरिटोनियम की है, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू तथा सबको कवर करके रखा कौन होती है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की बनी होती है, की बनी है, हेडिंग लिखो आप लोग, पहली बात व्यवस्था की शब्दावली, दूसरी बात, ठीक है, और लिखो जरा ये डाल लो, हेडिंग डाल लो, दूसरी जो परत है उसका नाम है आपके मायोमेट्रियम, दूसरी परत है आपके मायो व्यवस्था मेट्रियम, ठीक है, ये आ गई मिडल लेयर। अब इसमें ध्यान रखना शब्दावली, ठीक है, मेन इसमें आता है हमारे पास मिडल लेयर है, ये इसके अंदर होती है स्मूथ मसल, होता है ये क्या होती है, स्मूथ मसल सिंगल बनना है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इनमें संकुचन है, जो हमारी आवाज है उसको क्या कर रहा है, विद्युत सिग्नल में चेंज कर रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है, किसकी वजह से, हेडिंग डालो आप लोग, ट्रांस कारण होता है, इसको हिंदी में इंग्लिश में कैसे, प्रसव के दौरान यही संकुचित करती है और तीव्र पीड़ा उत्पन्न करती है, प्रसव के दौरान जब बच्चा पैदा होता है, प्रसव के दौरान ट्रांसड्यूसर ही बोलेंगे, तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसी में ही ऊर्जा के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलता है, संकुचन होता है, तो लिखो होता है ऊर्जा और प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, और इसको संकुचन कराने के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है, और सबसे मोटी परत ही होती है, दूसरे सबसे थिकेस्ट लेयर ही है, ये तो थिन है, ये थिन लेयर है, बदलता है, और ये सबसे मोटी परत है, यानी कि थिकेस्ट, थिकेस्ट लेयर, एग्जांपल ले लेते हैं, आवाज है, क्लियर, या ये आपको पता होना ही चाहिए, किसी में थिक लेयर है, ध्यान रखिएगा, विद्युत हो गया, ये दो परतें बनी, तीसरी परत अपन लिखेंगे, तीसरी परत कौन सी आ गई, ये लिख देते हैं एंडो मेट्रियम, सबसे आंतरिक परत कौन सी है, इनर एंडो मेट्रियम, इसके बारे में क्या विशेषता होनी चाहिए, सबसे बड़ी विशेषता इसमें एंडोमेट्रियम सिंपल सरल, ये ट्रांसड्यूसर हो गया, कोलुमनार, दूसरी अपने लोग बात करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, सरल जो स्तंभाकार उपलब्ध हमारे पास, प्रेषक, दूसरी बात इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए कि इसमें वायवीय संयोजी उत्तक होता है, बोले तो तीसरा आता हमारे पास, हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, फिर आता हमारे पास संयोजी उत्तक, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान
अभिग्रह के दौरान फिर अपन लोग पढ़ लेते हैं सिग्नल, ये परत वैसे ही अपने लोगों ने डिजिटल में पढ़ रखा है। साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो कौन सी परत के टूटनेस होता है, इस एंडोमेट्रियम पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ाया गया था सिग्नल। तो सिग्नल क्या होता है, इसमें दो तरीके के होते हैं, एक तो आता है कंटीन्यूअस, ये टूटती रहती है वापस बनती रहती है, और एक आता हमारे पास ओपन मेस्ट्रोसाइकल में पढ़ेंगे। तीनों परतें आपके समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये कार्यक्रम आपके समाप्त हो गया, किसका, यूट्रस का। अब अपन पढ़ लेते इसका हार्मोनल कंट्रोल, फटाफट कीजिए। समझ गए, तो इसको अपन लोग समझते हैं। तो क्या होता है सिग्नल, एक तो आता है एनालॉग और एक आता है डिजिटल, ठीक है। एनालॉग को बोलते हैं हम लोग अनुरूप और डिजिटल को बोलते हैं आंकिक। एनालॉग को बोलते हैं हम लोग डिजिटल अनुरूप और डिजिटल को बोलते हैं अंकीय। देखो इसको बोलते हैं हम लोग अनुरूप और इसको बोलते हैं, चलिए ये हो गई बात यूट्रस की। अब अपन पढ़ते हैं इसका हार्मोनल रेगुलेशन। 0.1 चलता है और जो सिग्नल ये है इसमें क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। जैसे मान लो साइन ओमेगा टी बना दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल आ गया। दूसरा अपने पास आता है, ये टर्मिनोलॉजी हो गई। अब आता है हमारे पास नॉइज, ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि अनवांटेड सिग्नल है। अब बात करते हैं अपन लोग जो इसमें मेन है, एक अपने लोग बात करते हैं प्रवर्धक की, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपने लोग एम्पलीफायर। चलिए साहब देखिए क्या होता है, जैसे मान लो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, मतलब सिग्नल जा रहा है तो क्या होता है, वो जैसे मान लो बहुत दूर तक अपने लोगों ने सिग्नल भेजा तो क्या होता है, सिग्नल की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो प्रवर्धक क्या करता है, उसको हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है, या उसको एम्पलीफाई करता है। तो प्रवर्धक क्या करता है, हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह से होता है देखिए आप, प्रवर्धन का काम करता है। अगर हार्मोनल रेगुलेशन की मैं बात करूं तो आप देखिए, सबसे पहले अपन जानते हैं हाइपोथैलेमस सारा काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। सबसे पहले मैं इसका नाम लिख रहा हूं, ठीक है, हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होते हैं, अपन सबको पता है जीएनआरएफ गोनेडोट्रोपिक रिलीज है, इसे काम करता है पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग पर, जिसको अपन कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, या अपन बोल सकते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोल सकते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। थोड़ा सा टेक्निकल बनना पड़ेगा कि ऊपर चुके हैं सब कुछ, इस पे अटैक करेगा, यहां से रिलीज करेगा कौन से हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कौन-कौन से, एफएसएच और LH मुक्त होगा। सही बात है, तो हार्मोन निकलेंगे हाइपोथैलेमस से, FSH और LH। FSH क्या करेगा, अपन सबसे पहले बात करते हैं, दोनों निकलेंगे, पहले FSH की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये FSH जो करेगा, ये फोलिकल का निर्माण करेगा, क्या करेगा, फोलिकल का निर्माण, ये सेकेंडरी फोलिकल को टर्शियरी फोलिकल में कन्वर्ट करेगा। ये नहीं कि मतलब सेकेंडरी फोलिकल को, प्यूबर्टी आ गई है, ये कब आएगा, ये कब आएगा, तो अपने सिग्नल को वहां पहुंचाना है प्यूबर्टी, ठीक है, अपनी बात वहां पहुंचाना। तो आने पर फोलिकल का कुट्टी का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास मॉडलन में हम लोग क्या यूज करते हैं, टर्शियरी फोलिकल का निर्माण होते ही आपको पता ही है क्या हो जाएगी, थीका इंटरना का निर्माण हो जाएगा। सिग्नल थीका को अगर हम इंटरना का निर्माण और वाहक ईस्ट्रोजन सिग्नल के साथ क्या करते हैं, हार्मोन का अध्यारोपित करते हैं, स्त्रवण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और क्या, थीका इंटरना बढ़ते ही ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण बढ़ जाएगा, और ईस्ट्रोजन क्या करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा हार्मोन आया आपके, मॉडुलन ईस्ट्रोजन आ गया, हार्मोन का लेवल बढ़ गया। अब ईस्ट्रोजन क्या करेगा, देखो आप, ये ईस्ट्रोजन किसको देगा, इन सबको पॉजिटिव फीडबैक देगा, किसको, हाइपोथैलेमस को भी कि भाई और बढ़ाओ, और एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, ईस्ट्रोजन और बढ़ाओ ताकि फटाफट ये प्रोसेस हो और रेगुलेशन वाला कार्यक्रम जल्दी हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एलएच की, एलएच क्या करेगा, एलएच क्या कराएगा, ओवुलेशन, अंडोस्तर को ओवुलेशन को प्रेरित करेगा, क्लियर। एलएच क्या करेगा, ओवुलेशन को प्रेरित करेगा, और ओवुलेशन होते कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा, बिल्कुल सही बात है, ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम
समझ गए का निर्माण मॉडलन का होगा यहाँ से और कुछ न्यूट्रिएंट का निर्माण होते ही यहाँ पे अगर आप लिखोगे बताइए कौन रहा है ये मॉडलन का काम कर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा आप लोग ठीक है ये किसका काम करेगा मॉडलन का काम करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जैसे ही लेवल बढ़ेगा तो दो चीजें आपके यहाँ पर हो जाती है कि प्रोजेस्टेरोन जो है अब आगे बात करते हैं वापस क्या करता है दो सिचुएशन में बढ़ जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मान लो स्पर्म था ही नहीं और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ये कंडीशन तो ये पर मान लो स्पर्म मौजूद है तो क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन हो गया दो कंडीशन है यहां पर या तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या फर्टिलाइजेशन हो गया अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है अब हाइड डालो आप लोग तो ये नेगेटिव फीडबैक दे देगा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या करेगा आपको पता है यहां से ले रहा हूं देखो मैं आप इसको इधर ले जा रहा हूं तो ये क्या करेगा हाइपोथैलेमस को कहेगा हमें प्रोजेस्टेरोन की जरूरत नहीं है और इसको एंटीडेड पिट्यूटरी को भी कहेगा हमको प्रोजेस्टेरोन की जरूरत नहीं है यानी कि नेगेटिव फीडबैक देगा अगर प्रेगनेंसी हो गई हो तो ये सीन उल्टा हो जाएगा कि साहब हमें हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देगा कि हमें क्या चाहिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए हमें प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है और इसको भी क्या देगा फीडबैक देगा पॉजिटिव किसको आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये क्या करता है जैसे मान लो हमें पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ध्यान रखिए तो अभिग्राही सिग्नल है ये सारा पॉजिटिव फीडबैक वाला अलग करना वो क्या करता है कब जब फर्टिलाइजेशन हो गया हो तो इसको लिखो तो होगा पॉजिटिव अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए मैंने रेड कलर में बनाया ध्यान रखिएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा ठीक है इस तरह से हार्मोनल रेगुलेशन होता है इसके अंदर क्लियर अगली बात ये तो हो गया चलो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा अपने बनाई थी याद करो दो पढ़ते एक साथ से इनहिबिन कौन सा हार्मोन इनहिबिन स्त्रावित होता है ध्यान रखना ठीक है इंटरना से तो कौन सा हो गया एस्ट्रोजन मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से इनहिबिन स्त्रावित होता है बी मॉडुलन जो FSH के लेवल को क्या करता है कम करता है ये तो मैंने पहले बता रखा है आपको एंडोक्राइन के लिए इनहिबिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू FSH और मेल के अंदर था आपको सेम कहानी मेल के अंदर थी मेल के अंदर इनहिबिन कहां से आ रहा था सर्टोली सेल से यहां कहां आ रहा है ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल से ठीक है ये लिखिए आप और इसी के साथ अपन समाप्त करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कहानी खत्म होती है क्लियर अब अपन बात करेंगे आगे की जो अपन शुरू करेंगे क्या अभी ग्लैंड भी है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बाकी है वो पढ़ लेते हैं पहले ना बार्थोलियन ग्लैंड वगैरह फटाफट ये लिखो आप फिर अपन ग्लैंड पढ़ लेते हैं दो बार्थोलियन ग्लैंड ग्लैंड ऑफ स्किन वाली जो बची हुई है पुनर्वर्तक सबसे पहले ग्लैंड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप लिखिए ग्लैंड ऑफ स्किन जिसको पहले पढ़ते हैं बार्थोलियन ग्लैंड ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बार्थोलियन ग्लैंड इसका दूसरा नाम है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बड़ी साइज में होती है इसलिए नाम रखा गया ग्रेटर वेस्टिबुलर यानी कि वेस्टिबुलाई जो होता है अपन ने पढ़ा था फीमेल के अंदर यूरिथ्रल ओपनिंग होती है और एक वेजाइनल ओपनिंग होती है वेजाइनल ओपनिंग को कहते हैं वेजाइनल वेस्टिब्यूल और यूरिथ्रल ओपनिंग को कहते हैं यूरिथ्रल वेस्टिब्यूल ठीक है ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं ठीक है पहली बात डालो आप लोग मॉडलन की आवश्यकता संख्या में ये दो होती है दो है वेजाइना की ओपनिंग के बाहर स्थित होती है यानी वेजाइना की ओपनिंग के बाहर स्थित होती है ध्यान रखिए वेजाइना के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होती है तीसरी बात आवश्यकता ठीक है इससे अब हमें यह पढ़ना है कि मॉडलन की आवश्यकता क्यों हुई सारी द्रव तो देखो क्या है एल्केलाइन सबसे पहला जो रीजन है एल्केलाइन है फ्लूइड स्त्रावित होता है ठीक है जो लुब्रिकेशन के बारे में बात है किसका लुब्रिकेशन के बारे में बात करते हैं अपने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वैसे यही है तो अपने लोग ये बोलते हैं जो एंटीना का ऊंचाई होती है ये एंटीना की ऊंचाई है लंबाई क्लियर ये है बार्थोलियन ग्लैंड दूसरी एक और है ग्लैंड ऑफ स्किन बोलते हैं अपन ग्लैंड ऑफ
स्कीन वो क्या क्या बोल दो आप, ग्रेटर है ना, उसको बोल दो आप लेसर, लैम्डा के लेसर चौथाई वेस्टिबुलर, समझ गए। तो अब जैसे मान लो लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। मान लो हमें मेगा हर्ट्ज में, या इसको बोल सकते हो आपके पैरा यूरिथ्रा, क्योंकि यूरिथ्रा के बाहर होती है, बहुत दूर तक हमें भेज रहा है, ठीक है, और उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। अब तो क्या करेंगे, अगर यूरिथ्रल बहुत ज्यादा होगी, मान लो अभी ये भी संख्या में खूब सारी होती है, 300 मीटर लिया या 400 मीटर लिया, ये कितना आएगा, 100 मीटर आएगा। अब मान लो अपने लोग संख्या में अनेक, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर का सिग्नल थोड़ी बना सकते हो, मतलब 4 किलोमीटर का संख्या में अनेक बनेगा ही नहीं। दूसरी बात है जैसे, और यूरिथ्रल लैम्डा को ओपनिंग, ये किसके दी बार, देखो वेजाइना के बार लैम्डा है, इसको रखा गया यूरिथ्रल ओपनिंग, लैम्डा को आपने बढ़ाया के तो क्या होगा, जो आवृत्ति है स्थित होती है वो क्या करेगी, वो डिग्री हो जाएगी, घट जाएगी, अगर आपने और आवृत्ति को बढ़ाया। नेक्स्ट, इससे म्यूकस स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है, तो क्या होगा, आवृत्ति को अगर बढ़ाओगे कैसे, देखो जैसे मैं अगर ओपनिंग बनाऊं, क्या होगा, लैम्डा ये वेस्टिब्यूल है पूरा, इस वेस्टिब्यूल के घट जाएगा, यहाँ पर ये तो ओपनिंग आ गई किसकी, यूरिथ्रा की, तो यूरिथ्रल ओपनिंग हो गई, ठीक है, और ये आ गई वेजाइनल ओपनिंग, अब लैम्डा अगर घट गया तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, लेंथ भी या एंटीना का साइज भी घट जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर ये ग्लैंड जो होती है, यहाँ पर होती है, अगर इसका नाम होगा बार्थोलियन ग्लैंड, इसको इंक्रीज करा, और यहाँ जो ग्लैंड होती है उसका नाम हो गया आपके कौन सा, लैम्डा डिक्रीज होगा, ये वाली ग्लैंड ऑफ लेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अपन को पता है क्लाइटोरस होता ही है, तो पहली आवश्यकता तो ये है, दूसरी आवश्यकता है हमारे पास, ओके, इस तरह से जो एंटीना की आती है, ये आपके कंप्लीट हो जाती है इसकी। अब अपन बात करते हैं कुछ अंग जो होते हैं वो समजात होते हैं किसके, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनके अपने टेबल बना लेते हैं, तो अपने पता चल जाएगा कौन सा होमोलोगस है और किसके साथ होमोलोगस है, ठीक है, ये लिखिए पहले आप फटाफट। या जो रेडिएशन पावर आती है, तो जो हो गया, चलिए, शक्ति विकिरण होता है वो चलता है किसके साथ, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इस ग्लैंड एक और रहती है जिसका नाम है मेमरी ग्लैंड, समझ गए, मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आपने लैम्डा को बढ़ाया तो शक्ति विकिरण कम होता चला जाएगा, अगर हमने लैम्डा को कम कर दिया तो शक्ति विकिरण बढ़ जाएगा, मतलब जो एंटीना है वो रेडिएशन बढ़ जाएंगे, उसमें विकिरण शक्ति बढ़ जाएगी, तो क्या करते हैं, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी ली इसको अगर आपने बढ़ाया तो जो लैम्डा है ये कम हो जाएगा और इससे जो विकिरण शक्ति है ये बढ़ जाएगी, तो इसलिए लगाते हैं, ठीक है। और तीसरा लिख लो, जो कई प्रेषक है ना वो एक साथ सिग्नल भेजते हैं, तो वहां पे सिग्नल मिक्स ना हो इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, तो इसको लिख लो आप लोग, विभिन्न प्रेषकों से प्राप्त सिग्नल अब आप लगाइए होमोलोगस ऑर्गन, एक तरफ मेल लिख देते हैं और एक तरफ फीमेल। सबसे पहले मुझे ये बताओ होमोलोगस का मतलब क्या होता है, समजातंक, समजातंक किसे कहते हैं, इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति समान होनी चाहिए, ध्यान रखना, इनकी उत्पत्ति क्या होनी चाहिए, समान, कार्य कार्य समान भी हो सकते हैं अथवा असमान भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कार्य को इंपॉर्टेंट नहीं देना है, उत्पत्ति को इंपॉर्टेंट देना है, उत्पत्ति समान होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले मेल के अंदर में बात करूं तो स्क्रोटम, इसको अपन बोलते हैं वर्षण कोष, फीमेल के अंदर वो संरचना कौन सी होगी, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, फिर दूसरा है मेल के अंदर अपन को बताया पेनिस, और इस फीमेल के अंदर कौन सा हो जाएगा, क्लाइटोरस, उत्पत्ति समान लेकिन संरचना और कार्य असमान हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनके अंदर कौन सा, एक ग्लैंड ऑफ स्किन, स्किन ग्लैंड जो यूरेथ्रा के बाहर होती है, ठीक है। फिर आती है काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड
जिसको अपने नाम रखा था, कौन सा? बल्बो यूरिथ्रल, ना, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसके अंदर कौन सी आएगी? बार्थोलियन ग्लैंड। क्लियर। फिर आ जाए जो ग्लांस पेनिस, ये तो हो गया पेनिस, हो गया वो कहते हैं अपने ग्लांस पेनिस, पूरा ये लिखा जाता है ग्लांस पेनिस, ठीक है। क्लाइटोरिस, स्क्रोटम हो गया, प्रोस्टेट हो गया, काउपर, और ये सारी हो गई, ठीक है। ये आपके हो गए होमोलोगस अंग, कौन किसके साथ? मेल के अंदर, वो फीमेल के अंदर। ये लिखिए, फिर अपन शुरू करेंगे मेमोरी ग्लैंड, जो अपन पढ़ेंगे कल। ओके गाइस, कल अपन पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड और मेस्ट्रुअल साइकिल, ये अपन कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ये दोनों टॉपिक फ्री करेंगे, मेस्ट्रुअल साइकिल और मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एम्ब्रायोलॉजी शुरू कर देंगे, जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।